हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे अदा शर्मा की मूवी द केरला स्टोरी का डे 4 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, एडवांस बुकिंग रिपोर्ट, शो काउंट्स और डे 3 तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फ्रेंड, लास्ट टाइम आपने बॉलीवुड में कब सुना था कि कोई मूवी फ्राइडे को रिलीज हुई हो और उसकी अर्निंग मंडे वाली ज़्यादा हो और फ्राइडे वाले दिन की कम हो? नहीं ना सुना, पर इस बार आप ऐसा सुनेंगे भी और होता देखेंगे भी। क्योंकि फ्रेंड, उससे पहले अगर बात की जाए डे 3 संडे वाले की, तो संडे को इसने 16 करोड़ का बिजनेस किया है, जिसके बाद 3 डेज के बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 35.25 करोड़ हो गया है और अभी से इसके साथ ब्लॉकबस्टर का वर्डिक लगा दिया गया है। बात की जाए ऑडियंस ऑक्यूपेंसी की, तो डे 3 पे मॉर्निंग 34.72, आफ्टरनून 57 और इवनिंग 64.65% और नाइट में फिर भी 55.60%। मैंने पहले भी आपको बताया कि संडे की नाइट ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी गिरती है क्योंकि मंडे को काम काज पे सबको जाना होता है, तो थोड़ी सी वो गिरती है, पर फिर भी 55% आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फ्रेंड, बात की जाए अब इसके डे 4 की, तो आज इसने एडवांस बुकिंग की मत में 2.50 करोड़ का बिजनेस किया है। ये डे 1 पे सिर्फ 1.30 करोड़ की एडवांस बुकिंग थी और उस टाइम शो काउंट्स भी कम थे। अब शो काउंट्स भी ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और 2.50 की एडवांस बुकिंग। बात की जाए शोज़ की, तो मुंबई में इस वक्त इसके पास 675 शोज़ हैं, दिल्ली NCR 720, पुणे 310, हैदराबाद 150, बेंगलुरु 210, कोलकाता 200, लखनऊ 145, चेन्नई 33 और अहमदाबाद 325। डे 4 की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की 13.10 और आफ्टरनून 19%। तो फ्रेंड, आज एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये अपने डे 1 से ज़्यादा ही अर्निंग करेगी। नॉर्मली हम देखते हैं मंडे टेस्ट किस तरह हम कंपेयर करते हैं कि फ्राइडे की अर्निंग को कंपेयर करते हैं मंडे की अर्निंग से, और 60% तक भी ड्रॉप आए तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होने वाला है। डे 1 से ज़्यादा अर्निंग डे 4 यानी मंडे वाले दिन आने वाली है। तो फ्रेंड, आज अपने डे 4 पे कहीं ना कहीं 9.5 करोड़ के आसपास करते दिखाई दे रहा है, जिसके बाद 4 डेज के बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन ऑलमोस्ट 45 करोड़ हो जाएगा, जिसका ग्रॉस बनता है ऑलमोस्ट 55 करोड़। द केरला स्टोरी भी बिल्कुल कश्मीर फाइल्स के ट्रैक पर चल रहा है और लगता है इस तरह ही है कि ये भी 100-150 करोड़ पे रुकने वाली मूवी नहीं है, ये भी 200 करोड़ क्रॉस ही करेगी, क्योंकि फ्रेंड आगे कोई टक्कर नहीं है इसकी मूवी किसी के साथ, इसे बिल्कुल एक फ्री रन मिलता रहेगा। और आप देखेंगे नेक्स्ट वीकेंड पे मुंबई और दिल्ली NCR में कहीं हज़ार शोज लेके ना उतरे मैदान में ये। ऐसे में चलते आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।